हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में मैं सीरीज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। प्रॉब्लम गिवन है कि विच नंबर विल कम नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास सीरीज के कुछ टर्म्स दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अब देखते हैं कि हमारी सीरीज़ किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। हम देखते हैं कि आया कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, या वो अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, या किसी और पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले अपनी सीरीज़ को देखते हुए मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैं देखती हूँ कि कॉमन डिफरेंस में आया कि कोई चीज़ हमें कॉमन मिलती है, कोई पैटर्न मिलता है हमें। तो जब मैंने हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, 48 माइनस 64, 40 माइनस 48 एंड अप टू सो ऑन, तो मुझे ये पैटर्न मिला। फॉर हमारी सीरीज जो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है वो ये है कि माइनस 2 रेज टू पावर n। देखें, मैं यहाँ पे माइनस 2 की पावर 1 पुट करती हूँ तो हमारे पास माइनस 2 आता है, 2 पुट करूँगी तो माइनस 4 आएगा। अगर देखें ना, माइनस 2 रेज टू पावर 3 पुट करूँ तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 2 2 4 4 2 8, यानी कि हमारी सीरीज़ में जो कॉमन डिफरेंस है वो इस ये वाला कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हमने 1 पुट किया तो माइनस 2 आया, 2 पुट करेंगे तो माइनस 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो माइनस 8 आएगा, और 4 पुट करेंगे तो माइनस 16 आएगा। इसका मतलब है ये कॉमन डिफरेंस है ना, अगर इसका मतलब है कि ये 1 पुट करने से आया, ये 2, ये 3, यानी कि बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट में हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर मैं माइनस 2 रेज टू पावर 0 पुट करूँ तो किसी भी आप जो है टर्म उसकी वैल्यू 0 लें तो वो 1 के इक्वल होती है, माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस 1 आएगा, किसके साथ, 34 के साथ। तो ऐसी टर्म 33 है, 33 माइनस 34 करती हूँ तो माइनस 1 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है इसकी वो आएगी 33, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम सीरीज में जो टर्म्स है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।